नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें फटाफट। अयोध्या की सीमा से सटे जिलों में बनेंगे 6 प्रवेश द्वार, कराएंगे अयोध्या की भव्यता का एहसास। प्रवेश द्वार के बगल में होगी यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था। आगरा में विश्व संवाद केंद्र व ललित कला संस्थान के संयुक्त निर्देशन में आयोजित ब्रज फिल्म फेस्टिवल का हुआ समापन। 18 लघु फिल्मों को किया गया प्रदर्शित। आगरा के रोहित ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किए 51 सूर्य नमस्कार। तिरंगे के साथ ही समृद्ध उत्तर प्रदेश का बैनर भी लहराया। अलीगढ़ में प्रशासन ने शुरू किया 13,533 महिलाओं को लखपति बनाने का काम। साल भर में हासिल होगा लक्ष्य। योजना के अंतर्गत हर माह होगी 10,000 या उससे अधिक की आय। यूपी के बदायूं में मुस्लिम लड़की इल्मा ने की सनातन धर्म में घर वापसी। सोमेश के साथ लिए 7 फेरे, बोली 3 तलाक और हलाला से नफरत, इसीलिए अपनाया हिंदू धर्म। नोएडा में निवेश के लिए दिल्ली में होगा डोमेस्टिक रोड शो का आयोजन। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शिक्षक करेंगे G20 सम्मेलन का प्रचार प्रसार, लखनऊ में मिलेगा प्रशिक्षण। वाराणसी में हिंदू बहू ने इस्लाम नहीं अपनाया तो ससुराल वालों ने ढाया जुल्म, पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। वाराणसी ज्ञानवापी प्रकरण की सुनवाई टली, 23 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। परिसर में पूजा करने की है मांग। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्वामी नारायण मंदिर में खालिस्तानियों ने की तोड़फोड़, मंदिर की दीवारों पर लिखे भारत विरोधी नारे। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही, हम फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।